क्योंकि दिया की सैलरी कल आ जाएगी, तो ये कह रहे हैं कि सामान ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। एक्चुअली क्या होता है ना, मेरा राशन आता है 3 जगह से, नाहरपुर से दालें चावल आटा चीनी रिफाइंड, ये सारी चीज़ रिफाइंड भी नहीं, बाकी सारी चीज़ें आती हैं बेसिक चीज़ें, और कुछ राज मंदिर से आता है और कुछ आता है विशाल से, विशाल मेगा मॉल से, और कुछ लोकल मार्केट से भी आता है, वो थोड़ा बहुत होता है, अंडे मक्खन ऐसी चीज़ें होती हैं। तो 4 जगह से आता है मेरा सामान, तो स्कीम्स पे डिपेंड करता है कहाँ पे मुझे ज़्यादा अच्छी स्कीम मिलती है, तो या राज मंदिर या विशाल मेगा मार्ट या सुपर मार्ट, कुछ भी, मतलब कोई भी ऐसी जगह से मैं बेसिक सामान वो वाला लाती हूँ जो पैक्ड वाला होता है। तो अभी मेरा लिक्विड सोप, लिक्विड डिटर्जेंट, इजी, बाकी सब चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं जो मेरी आज से 4 या 5 महीने पहले आई थी, तो वो थोड़ा सबर करता होता है, वो काफ़ी टाइम तक चल जाता है मेरा। और विशाल से ही मैं बिस्किट्स वगैरह सब चीज़ें इकट्ठी डाल लेती हूँ, तो मुझे आसानी रहती है। बस इस बार एक एक वो करना है मुझे कि विशाल से मुझे एक बड़ा बॉक्स लेके आना है, जिसके अंदर कम से कम इतना बड़ा बॉक्स मुझे चाहिए जिसके अंदर मैं अपना ये बिस्किट्स वगैरह का जो स्टॉक मैं लेके आती हूँ ना वो डाल सकूँ, क्योंकि वो ये ओपनली मुझे ऐसे रखना पड़ता है ना, वो दिक्कत हो जाती है। और इस बार मैं सैलरियाँ आते ही सबसे पहले किचन का वो नीचे का एरिया जो बहुत ही ख़राब हो चुका है, एक्चुअली मेरी ना सिंक की, किचन सिंक की जो वो बीच की गोली होती है ना, कटोरी होती है जाली, वो टूट गई है, तो उसकी वजह से सारा पानी नीचे गिर रहा है। मैं बोल रही थी ना कि कहीं से शेल्फ टूट गई है या कुछ हो गया है, पानी जा रहा है नीचे डब्बों में, तो वो पता चल गया, वो उसका बीच का वो जो होता है जाली वो टूट गया, तो उसकी वजह से सारे में पानी बिखर रहा है, और गंदा पानी होता है, धुला हुआ तेल वाला गंदा पानी होता है, और वो पूरे में बिखर चुका है। और नीचे मैंने रखी हुई है जो छुटकर पुटकर टाइलें बची थी ना वो, तो अभी मैंने डिसाइड इनको कहा है कि आप जैसे ही सैलरी आती है सबसे पहले प्लम्बर का काम करवाना, वो सारा क्लीन करवा के उस जगह पे मैं एक शेल्फ और डलवा दूँगी जिसने ये सारा काम किया है, तो उसको बोल के एक शेल्फ और डलवा दूँगी बीच में कट डाल के, तो पूरा सिंक का वो बीच का पूरा पीस चेंज करके, पाइप चेंज करके, नीचे की जाली चेंज करके, और पूरा क्लीन करवा के उसको सही करवा दो। क्योंकि मैंने मोस्टली ये खुद भी फील किया है और ये मैंने सुना भी है कि घर में अगर टपकते नलके हों, गंदी नालियां हों या स्मेल हो घर के अंदर, इन चीज़ों से क्या होता है कि आपके घर की बरकत ख़राब होती है, शांति ख़राब होती है, तो मैं इन सब चीज़ों में मानती हूँ एक्चुअली। तो मैंने इनको बोला कि ये काम हम इस बार ज़रूर करवाएंगे। मुझे मोटर का भी इनफैक्ट काम करवाना है, क्योंकि मेरी मोटर बहुत 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 देर तक चलती रहती है, बट अगर वो नहीं भी हो पाया तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट अंदर घर के अंदर जो गंदगी हो रही है ना वो साफ़ हो जाए, नीचे तो खोलने का मन नहीं करता, वहाँ पे चिप्स के पैक डब्बे पड़े हैं, चीनी, पेडिग्री, लूना का, कोको का, वो सब सामान वहाँ पे पड़ा, पैक्ड डब्बे जो रखती हूँ मैं। जब करवाऊँगी काम और सही हो जाएगा वो, तब मैं आपको दिखाऊँगी जब मैं उसको सही करा लूँगी। तो ये काम मैं इस बार सोच रही हूँ कि करवा लूँ, वो हर महीने सोचती हूँ पर हो नहीं पाता। अब मैं बैठी हूँ, गीज़र चला आई हूँ, नहाऊँगी क्योंकि गुरुद्वारे जाना है, और साथ साथ मैं बना रही हूँ लिस्ट, तीनों जगह की अलग अलग लिस्ट बनेगी, और फिर उसके बाद एक एक करके तीनों जगह से सामान आएगा। बहुत बोल ली ना, क्या कुछ बोल ली मैं, इतना स्टेमिना मैं पता नहीं लाती कहाँ से हूँ, इतने सारे वर्ड्स आ जाते हैं दिमाग के अंदर, बोलती चली जाती हूँ, बोलती चली जाती हूँ, रुकती नहीं हूँ, अभी भी नहीं रुक रही। आती हूँ मैं, नहा धो लिया, फ्रेश हो गई, सब्जी बना दी, दूध उबाल लिया, किचन संभाल दी, अब बस फुलके बनाने हैं, और अभी 6 ही बजे हैं, तो अभी फुलके बनाने का मैं ऐसा कुछ सोच नहीं रही हूँ, क्योंकि अभी बना के रखूँगी तो 9 बजे तक सूख जाएंगे, ये आएंगे 8 बजे तक, 7:30-8 बजे तक, तो उस टाइम बना दूँगी। तो जाते हुए दिया पैक कर लेगी अगर मुझे देर हो गई, क्योंकि आज बहुत सारे काम है, पहले जाएंगे गुरुद्वारे, शायद होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं पता, पहले जाएंगे गुरुद्वारे, फिर आज थर्सडे बाज़ार लगा होगा, तो सब्जियाँ और फ्रूट वो ला के घर पर रख के फिर जाएंगे हम राज मंदिर का सामान लेने, क्योंकि मेरे पास लिक्विड बिल्कुल नहीं है, और कल फिर कपड़े नहीं धोएंगे, और ये मेरे दर्द अभी भी हो रहा है, देखती हूँ शाम को डॉक्टर के पास अगर जा पाई तो कैसे जाऊँगी, देखती हूँ। जी मैं तो आलस मार के बैठी हुई थी, साहब का फ़ोन आ गया, वो आ गए हैं नीचे, आज गुरुद्वारे जाने को मैंने बोला तो आज 6:30 बजे ही आ गए हैं, नहीं तो 8:30-8 से पहले आते नहीं हैं। चलिए मैं दिया को उठा लेती हूँ, चलिए जी देखती हूँ दिया से, पैसे तो ले आए मैंने अगर मार्केट जा सके तो, सब्जियाँ भी ले आएंगे, आ गए ये, पैदल चलेंगे पैदल, हाँ हाँ चलो जी पहुँच गए हम गुरुद्वारे, बिल्कुल घर के पास ही बना हुआ है, फ्लैट के अंदर ही है, तो चलिए एक बार मत्था टेक लेते हैं, अच्छा नहीं लगता ना वीडियो चलाना। चलो जी बड़ा अच्छा लगा थोड़ा सा चल के जाना, और स्पेशली जो मैं इतने दिनों से सोच रही थी करूँ 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 जाऊँ, नहीं हो पा रहा था, मैं बस हाथ जोड़ के आई हूँ कि चलिए, मुँह से नहीं बोल रही
पर हो सका तो कोशिश करूँगी कि रोज जा सकूँ। और जो वहाँ पे पाठी जी थे ना, उन्होंने भी बोला कि रोज आया करो। देखो आवाज़ तो अच्छी आ रही है, फीलिंग भी अच्छी हो रही है, देखते क्या होता है। अब इनको मैंने भेजा है सब्जियाँ और फ्रूट लेने, क्योंकि बाज़ार लगा हुआ है, मेरे से बिल्कुल चला नहीं जा रहा था, इसलिए मैं घर आ गई। ये लेके आ रहे हैं सामान, लेट्स सी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। बस मेरी ये पेन है ना, मैं यहाँ से यहाँ तक बहुत ज़्यादा हो रहा था। 1:30 बजे उठी हूँ मैं, उठी थी पर उठा नहीं गया, सिर में दर्द बहुत ज़्यादा था, दाढ़ में दर्द बहुत ज़्यादा था। ये देखिए सारा सूजा पड़ा है यहाँ से, तो बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी सुबह। तो बस अभी उठी, विनीता आई है तो उससे चाय बनवाई है, विनीता ने चाय बना के दिया। मैं एक दो रस खाती हूँ, तो उसके बाद पेन किलर देखती हूँ, अगर कोई मेरे पास दाढ़ दर्द की पेन किलर है तो वो खाती हूँ, नहीं तो समृद्ध अभी सो रहा है, उठेगा तो उसको भेज के दवाई मंगवाऊँगी। और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ये पूरा सूज गया है, अंदर से भी पूरा सूज गया है, पता नहीं क्या। वक्त ही है, एक के बाद एक, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, पता नहीं कब जान छूटेगी इन चीज़ों से मेरी। चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद काम करवा लेती हूँ, फिर मुझे मशीन लगानी है, खाना बनाना है, बाहर कपड़े सूख गए हैं वो उतारने हैं, पूरे घर में स्मेल हो जाती है पोचों की मशीन लगानी है, थोड़ा ब्लिंकिट से सामान मंगवाना पड़ेगा क्योंकि अभी तो मैं जा नहीं पाऊँगी मार्केट। इवन मेरी हिम्मत इतनी नहीं हो रही कि मैं जाके डॉक्टर से दवाई ले आऊँ, कुछ तो करना पड़ेगा, काम बहुत सारे हैं, हिलना तो पड़ेगा। लेट दिन शुरू हो रहा है बट काम तो उतना ही है। चलिए आती हूँ मैं थोड़ी देर बाद। सैमी ने दवाई ला के दे दी थी मुझे, एक गोली खा लिया मैंने, थोड़ा दर्द में फ़र्क है, पर ये चीज़ जो दर्द हो रही है ना, सिर और ये आँख के इधर ये सारे में जो दर्द हो रहा है ना, इसमें फ़र्क नहीं पड़ा, दाढ़ में तो पड़ गया है, स्वेलिंग भी थोड़ी कम हो गई है, देखो ये सारी स्वेलिंग भी कम हो गई है। मशीन में लगा के आ चुकी थी, चाय पीने के बाद मैं मशीन लगाई आई थी, अब मशीन हो चुकी है पर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हो रही, आँखें ही नहीं खुल रही हैं, हिम्मत नहीं हो रही जाके देखूँ, कपड़े सुखाऊँ, बाहर से उतारने भी हैं, वो तय भी लगाने हैं। मेरा सिर्फ यही काम होता है और सिर्फ खाना बनाने का काम होता है, घर मैनेज करने का काम होता है। अभी भी बाहर दिखाऊंगी ना, आपको बताया था मेरी उंगली मुड़ गई थी, और उसके बाद भी अगले दिन फिर मैंने सोफ़े का कवर चढ़ाया था, अभी फिर सारा सोफ़े का कवर निकला हुआ है, मुझे समझ नहीं आता। मैं ना सोच रही हूँ हटा ही देती हूँ, बेड़ा गर्क हो रखा है, बिल्कुल हटा देती हूँ सोफ़े का कवर, फ़ायदा ही नहीं है रखने का। रोज़ 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 मतलब अरे कौन है, कौन करता है, मुझे ये नहीं समझ आता। ये तो कुत्ते लड़ते हैं आपस में, लूना और कोको लड़ते हैं आपस में, या तो तब वो उठा देते हैं। और सोफ़े का कवर ना थोड़ा सा फाड़ भी दिया है, पता नहीं कैसे फटा है वहाँ से, हटा ही रही हूँ मैं, आज हटा ही देती हूँ उसको। पहले थोड़ी सी बास्केट कम करती हूँ, बास्केट के अंदर कपड़ों का ढेर लगा पड़ा है वो कम करती हूँ, और उसके बाद फिर सोफ़े का कवर हटा ही देती हूँ, धो के ना अंदर ही रख दूँगी। और कल मैंने पर्दे भी उधर के चेंज करवा दिए थे सेमी से, तो वो पर्दे भी धोने हैं, और आज मैं सोच रही हूँ यहाँ के भी पर्दे उतरवा लूँ, पर समझ नहीं आ रहा ना, किसी बच्चे को ऐसे डिस्टर्ब करना अच्छा भी नहीं लगता ना कि भैया तू आके पर्दे उतार दे। जब मैं सोच रही थी वो कंप्यूटर वापस करने आएगा तो उससे रिक्वेस्ट करूँगी कि बेटा अगर तेरा हाथ जाता है तो तू उतार दे, नए पर्दे लगा दे, और एक ही अटैच ही ऊपर से उतरवानी है, क्योंकि मेरे पास स्टूल तो है ऊंचा वाला, वो जो जिसपे आयरन वाला स्टूल नहीं है, जिस पे पानी की बॉटल रखी हुई है, पर उसमें भी खड़े होकर हम में से किसी का हाथ नहीं जाएगा। चलिए लगाती हूँ नंबर एक एक करके काम का, मेथी आलू तो रखी है, तो सब्जी का तो मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि अगर ना भी बनाई तो चलेगा, पर रात को दिया नहीं खाएगी मेथी आलू दोबारा, तो एक सब्जी और बनानी पड़ेगी। अभी इनका भी फ़ोन आया था तो पूछ रहे थे कि गैस वैस जलाई तो नहीं, जला के छोड़ना मत। मैं सोच रही हूँ खिचड़ी बनानी है मुझे अपने लिए, क्योंकि मैंने कुछ नहीं खाया अभी तक, सिर्फ वही चाय और रस खाई थी, तो उसके साथ दवाई ले ली थी। तो मैं अब उठूँगी तो फिर मैं सारे ही काम करके आऊँगी, तो मैं सोच रही हूँ छोटे कुकर में बनाऊँगी तो फिर पानी निकल जाएगा, और वो इतना बड़ा कुकर 5 लीटर के कुकर में एक कटोरी खिचड़ी का क्या ही करूँगी, वही खड़े होकर बना के आती हूँ और क्या। चलो देखते हैं, उठती तो हूँ, काम तो निपटाऊँ कुछ ना कुछ। कपड़ा तो मैंने ठीक कर लिया है, ये कपड़े बाहर से उतार लिए, वो जो धोए थे पोछे वो सुखा दिए, कवर उतार दिया है सारा मैंने, मैं दिखाना भूल गई आपको कि क्या हालत थी, मैंने उतार दिया। अब मैं यहीं खड़ी हूँ कि कुकर को विसल आ जाए, क्योंकि छोटे कुकर में ही चढ़ाया फिर से मैंने, और रिस्क नहीं ले सकते छोटे कुकर के साथ, इसलिए मैं यहीं खड़ी हूँ, एक बार विसल हो जाए। और ये मैंने मूँग की दाल वाली खिचड़ी रखी है, तो कम से कम दो
दो विसल तो मुझे करानी पड़ेंगी या फिर सिम पे बनाना पड़ेगा पहली विसल के बाद। तो यहीं बैठ रही हूँ मैं, देखते हैं आ जाए विसल। दो विसल हो गई है, अभी अभी जस्ट गिरी है विसल। सिम पे ही पकाया मैंने, ज़्यादा मेहनत नहीं की खड़े होने की, क्योंकि मुझे कपड़े तय लगाने थे तो मैंने साथ साथ ये कपड़े भी तय लगा लिए हैं। अब बस इनको संभालती हूँ, बच्चों के रखाई हूँ, उसके बाद जब तक स्टीम निकलती है तब तक मैं बैठ रही हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी वीकनेस क्यों हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। चलिए ऊपर का खाना खोलना है, हाथ नहीं जाएगा मेरा, आती हूँ थोड़ी देर में। क्या मस्त लाइफ है ना, आई है मुझसे लड़ी है खेली है और उसके बाद मस्त पैर पसार के सो गई है। ज़िंदगी की टेंशन ही नहीं ख़त्म होती, कभी बुखार कभी कुछ कभी कुछ, फिर घर के काम। एक लॉट तो मैं सुखाई आई थी, दूसरा डालाई थी मशीन के अंदर, और अभी क्या हुआ है समृद्ध को भी कोल्ड हो गया है, तो अभी वो भी आया था। पर बच्चे ना कितने ढीठ होते हैं ना, बिल्कुल नहीं मानते। मैंने बोला भी है एकदम से टी शर्ट वगैरह मत उतारो, एटलीस्ट टी शर्ट तो पहन के रखो, ऊपर से एक एक दो पे पंखा भी चला रखा है, मौसम वैसे ही ख़राब हो रखा है। और घर में कभी एक को बुखार आता है ना, गला ख़राब होता है, ज़ुकाम होता है, तो सबको होता है एक एक करके। उसको भी कोल्ड हो गया है, मैंने उससे बोला खाना, उसने खुद ही सैंडविच बना लिए थे, आलू उबाले थे ना कल, तो सैंडविच बना के बैठा था, खा के बैठा था। मैंने कहा दवाई ले ले, सिटीजन ले ले एटलीस्ट, क्योंकि इसको सिटीजन से फ़र्क पड़ जाता है। पर नहीं, मुझे इरीटेट मत करो, मुझे कुछ मत बोलो, मैं अपने आप कर लूँगा जो करना है, ये आगे से जवाब आते हैं इनके। और फिर हम लोग भी ढीठ नहीं बन सकते ना कि छोड़ परे, जो करना है करें, अपने आप भुगतेंगे। जब फिर ज़्यादा बीमार हो जाएंगे तब भी हमारे ऊपर ही चढ़ेंगे। मैं पहले पड़ी हुई हूँ, ये भी पड़ जाएगा, तो इन दोनों को कौन देखेगा। बोला दवाई ले ले, बोला दवाई ले ले, दो तीन बार बोल चुकी हूँ दवाई ले ले। अब मुझे गुस्सा आ गया तो मैं आपसे बोल रही हूँ, क्योंकि इनको भी फ़ोन करके क्या बोलूँ, वो भी बोलेंगे तो सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं। तो बच्चे बड़े होते हैं ना, ढीठ ज़्यादा हो जाते हैं। गीज़र चलाया है क्योंकि गुरुद्वारे तो जाना ही है, तो मैं नहाने जाने लगी हूँ, तो बस अभी गीज़र चला के आई हूँ। 5 बज चुके हैं, तो 6:30 तक ये आ जाएंगे, तो बस नहा के आती हूँ, थोड़ा चौकटा ठीक करती हूँ। एक तो खुद को ही बुरा लगने लग जाता है ऐसी शक्ल देख के। फिर उसके बाद ये कह रहे थे कि डॉक्टर को भी दिखाया था, मेरे क्या हुआ है, ये जो जॉ होता है, नीचे का जॉ होता है ना, इधर के जो दांत है ना, मैं हाथ लगा रही हूँ तो एक बेंड सा हो रहा है, मतलब ऐसे कर्व आ रहा है, तो मतलब मेरे जबड़ा जो है वो नीचे धस रहा है और इधर के जो है वो सीधे हैं। वो जो दब रहा है ना नीचे को, उसकी वजह से मेरे दांत जो है वो अंदर घुस गए हैं। और वो अब पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, मुझे नहीं पता, बट मेरे को फील हुआ कि जबड़ा जो है ना वो कर्व हो रहा है, एक ऐसे हो रहा है, गोल हो रहा है, इधर से सीधा है बट इधर से गोल हो रहा है, मतलब अंदर जबड़ा धस रहा है। तो वो शायद दांत निकलवाने पड़ेंगे, वहाँ के 4 या 5 दांत हैं जो दाढ़ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 दांत हैं, वो सारे नीचे को दब गए हैं। तो दिक्कत लग रही है, मुझे डर भी लग रहा है कि जबड़ा नहीं होगा तो कल को अगर दांत निकल जाते हैं तो मैं नकली दांत भी किस पे फिट करूँगी। क्योंकि ये प्रॉब्लम ना मेरी मदर इन लॉ को भी थी, उनका नीचे का जबड़ा जो है वो था ही नहीं, मतलब हड्डी यहाँ पे वही नहीं था, बेस ही नहीं था जिसके ऊपर वो नकली दांत टिका सके। उनको बहुत दिक्कत होती थी खाना वाना खाने में, नकली दांत बनवाए थे तो वो भी नहीं टिकते थे, बहुत दिक्कत होती थी। मुझे डर लग रहा है, अब वो एक्सरे करेगा क्या करेगा, मुझे कुछ नहीं पता। और ना जहाँ हम पहले डॉक्टर के पास जाते थे ना पीतमपुरा, वो डॉक्टर बहुत अच्छा था, बट अब क्या हुआ है ना कि जैसे जैसे डॉक्टर्स के स्टैंडर्ड बढ़ते जाते हैं ना, वैसे वैसे उनकी फीसें इतनी बढ़ जाती, 1200 रुपये फीस कर दी। कहाँ मैं जाती थी, 16 साल हो गए, 16 साल पहले जब मैं जाती थी तो उसकी फ़ीस 200 रुपये थी, 100 रुपये 200 रुपये, हाथ लगा के चेक करता था तो 200 और नहीं तो 100 रुपये सिर्फ कंसल्टेंसी के लिए। और आज 1200 रुपये फ़ीस हो रखी है, उसकी पूरा हॉस्पिटल बना लिया उसने। अब वहाँ जाओ तो अलग ही वो रहता है यार, मतलब 1200 रुपये फ़ीस दे दो और उसके बाद फिर 2-3 हज़ार की दवाइयाँ लिख देते हैं, एक्सरे हो गया तो 500-700-800 रुपये एवं चले गए। तो यार कहाँ जाऊँ मैं, मतलब कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल नहीं होते क्या दांतों के लिए। मैंने तो ना यहाँ तक बोल दिया था, कोई डेंटिस्ट है प्रैक्टिस कर रहा है जिसको दांत चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, वैसे भी तो ख़राब ही हो रहे हैं, कोई मेरे दांतों पे अपना प्रैक्टिस कर ले, या तो ठीक हो जाएंगे या सारे ख़राब हो जाएंगे। चलिए जी, पानी गर्म हो गया होगा, मैं नहाने जाती हूँ। देखो खटर पटर की आवाज़ से उठ गई है, कहाँ बोलू नी, कहाँ बोलू नू, सो जा, कुछ नहीं हुआ। अच्छा वो डमडम हो रही है पीछे से, वो बिल्डिंग तोड़ रहे हैं ना, सो जा, सब समझ आता है इसको, सो गई। नहा धो के गोरी गोरी होके मैं आ चुकी हूँ और चाय भी बना लगी हूँ। 6:15 हो गए हैं, कल 6:40 तक ही आ गए थे, तो बस चाय में पीती हूँ, थोड़े बाल सुखाती हूँ, उसके बाद शायद ये आ जाएंगे तो जाऊँगी पहले गुरुद्वारे, फिर शायद डॉक्टर के पास,
शायद इसलिए लगाती हूँ हर बात के आगे कि एट द मोमेंट उसी वक्त क्या चेंजेस आ जाए चीज़ में कुछ नहीं पता होता, तो अभी मुझे नहीं पता है कि क्या होगा। वैसे इन्होंने बोला था कि गुरुद्वारे चलेंगे फिर वापस आके फिर सीधा नीचे से ही डॉक्टर के पास चले जाएंगे, यहीं पास में ही है डॉक्टर भी जिसको अभी मैं दिखा रही हूँ। बहुत 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 ज़्यादा मतलब अभी ना मैं किसी से बात कर रही थी, बताऊँगी नहीं किससे कर रही थी, आप हंसेंगे। मतलब वो पता क्या बोल रहे हैं, जैसे मजाक करते हैं ना, वो कह रही कि तेरे नाम की ना किसी ने गुड़िया बना रखी है और पिन चुभा रहे हैं वो जगह जगह, तो अब तेरी धाड़ में पिन चुभाई है उन्होंने। मैंने कहा यार किसी को इससे भी कोई मज़ा आ रहा होगा तो ठीक है फिर, अब मैं तो कुछ कर नहीं सकती, बना ले मेरी गुड़िया दो चार बना ले, हड्डियाँ भी तोड़ दे एक दो और जगह जगह से मरोड़ मराड़ के। पता नहीं यार मतलब क्या करें, तकलीफ़ में मजाक तो बनता ही है ना, मजाक से ही थोड़ा लाइट हो सकता है माहौल। समृद्ध चला गया खेलने, खाया पिया कुछ नहीं है, बस सुबह से वही सैंडविच बना के खाए थे उसने बस। अब मैं रात का मैं सोच रही हूँ कि मेरे में तो हिम्मत है नहीं कुछ बनाने की, तो आलू जो उसने मैश करके रखे हुए हैं, चार सैंडविच बनाने थे और उसके लिए उसने सारे आलू मैश करके और मसाला बना दिया, तो मैं उसी में धनिया मिर्ची जो भी उसने नहीं डाला वो डाल के दिया को आलू के पराठे दे दूँगी टिफ़िन में और हम भी वही खा लेंगे, नहीं तो मेथी आलू भी रखी हुई है और शायद आलू दही आलू की सब्जी भी रखी हुई है, फेंक ही दूंगी मैं सोच रही हूँ। अभी देखती हूँ फ्रिज में क्या क्या है, कल ये सब्जियाँ लाए थे उसमें धनिया भी था वो भी काटना है, बैठना जा नहीं रहा। देखो 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 अपने आप चढ़ गई ऊपर, देखो चिप बदतमीज, चाय गिराएगी, ये ले मैरी गोल्ड के बिस्किट खा रही है साथ में, ये तंग करेगी मुझे, मैं पहले इसको हटाऊँ यहाँ से फिर मैं बात करूँगी आपसे आराम।